नवी मुंबई नेटवर्क। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाते और रवाले प्रभाग क्रमांक 1920 में एकता और अखंडता का संदेश देते हुए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने के नेतृत्व में 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में रवाले स्थित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल और मान्यवर कांचीराम हिंदी विद्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम और देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष में मिशन 75 के नारे के साथ भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान सुधाकर सोनावने के साथ पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावने, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल के छात्र, अभिभावक, शिक्षकगण बढ़ चढ़ कर मौजूद रहे। इस दौरान देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत हाथों में तिरंगा लेते हुए सभी बच्चों ने भारत माता की जय जयकार का नारा देते हुए परिसर को देशभक्ति के जज्बे से सराबोर कर दिया। इस दौरान पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने की मौजूदगी में रंजना सोनावने ने ध्वजारोहण कर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया। हालांकि सबसे विशिष्ट बात ये रही कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने के माध्यम से शिक्षा से समृद्धि की तरफ और प्रभाग में भाईचारे की भावना को चरितार्थ करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत रवाले MIDC में एकता का पैगाम देते हुए क्वासिमुल उलूम ट्रस्ट मस्जिद क्वासिमिया में ध्वजारोहण के साथ कर एकात्मता का संदेश भी दिया। वहीं इस दौरान समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मिशन 75 के नारे के साथ 75 रक्त की बोतल का संकलन कर आजादी का अमृत महोत्सव इस दौरान विशिष्ट प्रकार से मनाया गया, जहां इस दौरान सुधाकर सोनावने और रंजना सोनावने के साथ सहायक पुलिस निरीक्षक किरण पाटिल और जयेश चौहान मौजूद रहे। इस दौरान मान्यवरों ने इस रक्तदान शिविर का जायजा लेकर सभी ब्लड डोनर्स का मनोबल भी बढ़ाया। इस दौरान खुद सुधाकर सोनावने ने आजादी का जश्न मनाते हुए सभी ब्लड डोनर्स को बैच लगाकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए सुधाकर सोनावने ने सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने इस साल मिशन 75 के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। खरतर भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये देखील अशाच प्रकारे कष्टकऱ्यांनी खूप मोठ्या हिरिरीने भाग घेतला आणि आज देखील एक संधी आम्हाला मिळालेली आहे की हा अमृत महोत्सवी वर्ष या ठिकाणी साजरे करताना 13 तारखेला आपण जी तिरंगा रॅली काढली, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांनी हजारोच्या संख्येने त्याच्यामध्ये सहभाग नोंदवला। आज देखील आपण पाहिलं की मान्यवर कांशीरामजी हिंदी विद्यालय असेल, शाहूजी महाराज विद्यालय असेल, याच्यामध्ये फ्लॅग होस्टिंग तर झालेलं आहे, परंतु फक्त फ्लॅग होस्टिंग करून चालणार नाही तर खऱ्या अर्थाने आपलं जे सैन्य आहे आपलं बॉर्डरवर ज्या ठिकाणी आपल्याला रक्ताची नेहमी गरज असते, तर शाहू महाराज विद्यालय आणि मान्यवर कांशीरामजी विद्यालयाने कोविड काळामध्ये देखील शेकडो बाटल्या त्या ठिकाणी रक्ताच्या दिल्या आणि आज देखील आपण मिशन 75 माध्यमातून या ठिकाणी 75 बाटलींचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे। हे नवी मुंबई महापालिकेच्या रक्तपेढीमध्ये हे रक्त जमा केलं जाणार आहे। खूप आनंद आहे, उत्साह आहे। आपण पाहताय की रक्तदाते देखील मोठ्या संख्येने या ठिकाणी लाईन लावून उभे आहेत आणि त्यामुळे मला निश्चितपणे खात्री आहे की देशाचा हा अमृत महोत्सव साजरा करताना शताब्दीकडे जाण्याची जी वाटचाल आहे ती किती उत्साहवर्धक आहे ही याच्यावरून आज दिसते। सुधाकर सोनावने ने कहा कि देश मजबूत तभी होगा जब हम शैक्षणिक तौर पर सक्षम और अग्रसर रहेंगे।
हमारा जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन ही वास्तव में ये है कि हाँ ये संभव है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्ध की ओर। हम समृद्ध तब बनेंगे, हमारा भारत समृद्ध और बलशाली तब बनेगा जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सर्वसामान्य नागरिक तक पहुंचना, ये तो लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य है और ये कर्तव्य हम यहाँ निभा रहे हैं। कि जैसे हमने तिरंगा रैली यहाँ निकाली, उसमें एक लाइन जोड़ दी, घर घर तिरंगा, घर घर शिक्षा। देश तब मजबूत बनेगा, तिरंगा तब लहराएगा स्वाभाविक रूप से जब हम शैक्षणिक रूप से परिपक्व बनेंगे। तो उस दिन हमने कापिया बाटी है और ये तिरंगा महोत्सव को चार चांद लगाने का प्रयास किया। इस दौरान ब्लड डोनर्स को महाराष्ट्र राज्य रक्त संक्रमण परिषद के माध्यम से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।